असलम यू टू फैमिली उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज की इस वीडियो में हम गो स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे इसके लिए आप एक स्ट्रक्च डॉट को की फाइल अपने फोल्डर में बना लीजिए और हमेशा की तरह मैं इसमें पैकेज मेन अपना एफ एम टी का पैकेज और फंक्शन मेन क्रिएट करूँगा ओके जिस तरीके से बाकी लैंग्वेज फॉर एग्ज़ाम्पल जावा सीशाप वगैरह के अंदर क्लासेस uh, का कॉन्सेप्ट है इसी तरीके से गो लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर्स का कॉन्प्ट है क्या आप एक कस्टम डेटा टाइप बिल्ड कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आप कोम स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने के लिए मेरे पास एक टाइप पर्सन है जिसके आगे मैं स्ट्रक का कीवर्ड लिखूंगा, और इस तरीके से मैं अपनी स्ट्रक्चर uh, का आगाज़ करूंगा। अब मैं बताऊंगा कि इस स्ट्रक uh, के अंदर मुझे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल नेम की प्रॉपर्टी है और एज की प्रॉपर्टी है तो इस तरीके से मैंने एक कस्टम डेटा टाइप पर्सन बना दी जिसके अंदर नेम और एज दोनों वेरिएबल्स होंगे अब मैं इस वेरिएबल uh, को इस स्ट्रक uh, को इनिशियलाइज करने के लिए जॉन क्रिएट और असाइन ऑपरेटर के बाद पर्सन का कीवर्ड लिखूंगा लिखूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पे उसका नेम दूँगा जॉन डो और इसके बाद उसकी एज यहाँ पे दूँगा फॉर एग्जांपल 25 फाइव में देता हूँ अब मैं इसको जब प्रिंट लाइन के साथ प्रिंट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये इंफॉर्मेशन एज इट इज़ प्रिंट हो रही है तो आपने देखा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है ऑन द टर्मिनल और इसको अगर मैं प्रॉपरली प्रिंट करना चाहूँ सिर्फ मैं नेम प्रिंट करना चाहूँ तो जॉन डॉट नेम की प्रॉपर्टी जो कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसको हम प्रिंट uh, कर सकते हैं अब मैं इस टर्मिनल में दोबारा रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि उसने नेम प्रॉपर्टी को अलहदा से डिक्लेयर uh, प्रिंट uh, कर दिया नेक्स्ट जॉन डॉट भी हम कर सकते हैं और हम देखेंगे कि स्क्रीन पे आउटपुट प्रॉपरली आ जाएगी ओके okay. अब हमारा नेक्स्ट uh, एक और टाइप uh, क्रिएट करते हैं फॉर लेट्स कॉल इट पैसेंजर स्ट्रक का कीवर्ड साथ हम यूज़ करेंगे और जब हम पर्सन की डाटा टाइप हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया ऑलरेडी और हमारे पास पैसेंजर आ, की नई डेटा टाइप हम क्रिएट करना चाह रहे हैं और अब हम इसमें आ, एक बुलियन डिक्लेयर करेंगे इस फ्रंट सीट पैसेंजर और इसको हम बुलियन डेटा टाइप दे देंगे और अगर अब हम पर्सन की डेटा टाइप इसके अंदर एज़ uh, जिस तरीके से हमने ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसके साथ यूज़ करना चाहें तो वो भी अब एक पॉसिबिलिटी हमारे लिए बन गई है क्योंकि ये एक प्रॉपर डेटा टाइप हमारे प्रोग्राम रिकगनाइज़ हो रही है तो इसके लिए हम ये करेंगे कि डिटेल्स uh, की एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और इसके बाद हम इसको पर्सन कह देंगे तो अब मैं ये प्रिंट लाइन स्टेटमेंट्स यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ अब हमारे पास जॉन जो है वो एक पर्सन है और अब नेक्स्ट जो है हम एक पैसेंजर का पैसेंजर का वेरिएबल क्रिएट करेंगे और अब ऊपर की तरह ही उसको हम आ, दो वैल्यूज पास करेंगे पहले की इस फ्रंट सीट पैसेंजर जिसकी वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स होगी और दूसरी हम डिटेल्स Uh, को पास करेंगे एज अ पर्सन सो हम अब यहाँ पे ट्रू और नेक्स्ट हम जॉन पास करेंगे तो so, इसका मतलब ये है कि अब ये जॉन का वेरिएबल इसके अंदर अवेलेबल है और अब हम नेक्स्ट जब एफएमटीम एफ एम टीम डॉट प्रिंट लाइन यूज़ करेंगे हम पैसेंजर को प्रिंट करेंगे तो आप स्क्रीन पर देखेंगे कि पहले उसने बायर वाला ऑब्जेक्ट प्रिंट किया और उसके बाद उसने जॉन वाला ऑब्जेक्ट जो पैसेंजर का जो सॉरी पर्सन का ऑब्जेक्ट था वो उसने प्रिंट किया और अगर अब हम चाहें नेम प्रिंट करना तो वो ऐसे होगा पैसेंजर डॉट डिटेल्स डॉट और इसके बाद हमारे पास दोनों प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं तो मैं नेम की प्रॉपर्टी को एक्सेस करूँगा और जैसा कि आप देख सकते हैं आपके टर्मिनल पे जॉन डो प्रिंट हो चुका है तो इस तरीके से आप आ, गो में स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं और नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा दूसरे के अंदर तीसरा लेकिन इनका ऑर्डर ऐसे ही होना चाहिए पहले आपने टाइप पर्सन डिक्लेयर किया है तो उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं ये पैसेंजर इस पर्सन से ऊपर होगा तो वो एयर शो करेगा उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी आपके कोई क्वेश्चन हैं तो कॉमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा अल्लाह हाफिज़